सब रिसर्चर्स सर क्लास में चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी पढ़ रहे हैं और आज चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखें हमारे एमसीक्यूज सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी में कौन सी इनमें से कौन सा एमसीक्यूज था पूछ रहे हैं कौन से एमसीक्यू था जो सॉफ्टवेयर पायरेसी में शामिल नहीं होता तो हमारे पास होता है लायबिलिटी लायबिलिटी हमारे पास क्या होता है एसेट और लायबिलिटी हमारा जो सामान मतलब हमारा जो एसेट होते हैं उनको लायबिलिटी कहते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी में नहीं आता मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी में हमारे पास आता है वो क्लाइंट ओवर यूज उसके अलावा फिशिंग वगैरह सारा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर पायरेसी में इसमें मनी बनने का हम सॉफ्टवेयर को चोरी करते हैं या उसकी इलीगल कॉपीज बनाते हैं या उसे ओवर द इंटरनेट सेल करते हैं ठीक है सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है तो जो हमारे पास ऑप्शन 2 है ना वो हमारे पास जो लायबिलिटी है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी में नहीं आता उसके अगला हमारे पास एमसीक्यू था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम साइबर क्राइम में हमारे पास जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन हमारे पास साइबर क्राइम में नहीं आता डिक्रिप्शन क्या होता है इनकोड अगर आपने कोई इनकोडिंग की होती है जब उसका डिकोड करते हो मतलब उसकी इंक्रिप्ट करके डाटा को उसकी डाटा को डिक्रिप्ट करते हो किसी की मदद से तो उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं मतलब ये हमारे पास साइबर क्राइम में नहीं आता ये हमारे पास ये हमारा टाइप ऑफ इंक्रिप्शन में आती है मतलब कि इंक्रिप्शन आपने की कोड आपने अपने यूज़ के लिए उसको इंक्रिप्ट करना जब आपने दोबारा उसको यूज़ करना है अपने लिए मैसेज को डिक्रिप्ट करना है तो उस टाइप को डिक्रिप्शन देते हैं क्या अगर हमारे पास व्हिच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग ईमेल अब फिशिंग ईमेल हमारे पास वो ईमेल होती है जिसको हम सेंड करते हैं अगले बंदे को वो अगला बंदा उसमें जो फॉर्म होता है उसको फिल करता है वो फिशिंग ईमेल में आता है ठीक है तो उसमें हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास फिशिंग वेबसाइट की है ठीक है ये फिशिंग ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ठीक है ऑप्शन 4 है इसका आंसर अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है वो हमारे पास है ईमेल अकाउंट अपडेट जैसे हमारे पास ये हमारे पास किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास फिशिंग ईमेल की कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है उसमें वो हमें मेल करता है अलर्ट भेजता है कि आप अपने अकाउंट को ईमेल अकाउंट को अपडेट करें तो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन 4 ये हमारे पास ईमेल अकाउंट अपडेट ये हमारे पास फिशिंग वेबसाइट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है उसमें से ऑप्शन में से क्योंकि ऑप्शन 4 है हमारे पास पासवर्ड इज योर रियल नेम ठीक है अब आपका ये आपको पता है कि आप अपना पासवर्ड का भी यूजर नेम अपना रियल नेम पासवर्ड ही रख सकते हैं बट उसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती पासवर्ड की आपने हमेशा रैंडम नंबर रखने रैंडम नंबर रखे होते हैं जिस वजह से आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये गुड पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ठीक है उसे हमारे पास अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास पहले पहला फिल इन द ब्लैंक्स है मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी जैसे मैंने पहला आपसे जो देखा उसमें आपसे मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर पायरेसी में हमारे पास क्या था कि इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर बनाना मतलब है सॉफ्टवेयर पायरेसी दूसरा का ऑप्शन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास उसका है कंप्यूटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली तो जो आपका एमसीक्यू में फील का फील है फिर मैं मैथ्स वाला जो वो है कंप्यूटिंग तो हमारे पास कंप्यूटिंग वो टर्म है जिसमें हम जिसमें प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करते हैं मैथमेटिकली ठीक है उसे अगला हमारे पास क्या है इंक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा ठीक है डाटा को इनकोड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इंक्रिप्शन जब इसको डिकोड के प्रोसेस कहते हैं डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन When a key has less number of character than the text to encrypt then representing letter of the key is called interim cipher text ठीक है लेट्स सपोज अगर आपके पास जो टेक्स्ट है जिसको आपने इंक्रिप्ट करना है वो आपके पास उसमें है 7 कैरेक्टर्स और जिस की मदद से आप इसको इंक्रिप्ट कर रहे हो उसमें 4 या 3 या 5 कैरेक्टर्स हैं तो इस उसमें क्या होगा ठीक है जैसे लेट्स सपोज हम ब्लैंक के कीवर्ड को फिल के साथ अगर इंक्रिप्ट करेंगे तो क्या करेगा फिल को रिप्लेस कर देगा जिस जगह पे जब हम डाटा इंक्रिप्ट करेंगे किसी भी मेथड के साथ तो जिस जगह पर देखेगा एफ है उस जगह पर जो वर्ड होगा उसको बी से प्लेस कर देगा आई को एल के साथ कर देगा एल को ए के साथ कर देगा एल को एन के साथ कर देगा उसके बाद वो क्या करेगा अब हमारे पास तीन दो वर्ड्स बच गए ठीक है के और एस को के और एस के लिए किसको यूज करेगा जिस जगह पे एफ होगा उसको के के साथ कर देगा जिस जगह पे एल होगा उस वर्ड को एस के साथ प्लेस कर देगा इस प्रोसेस को कहते हैं एंट्रम सेफ्टेक्स जिसमें हमारे पास जो की वर्ड का टेक्स्ट जो की का वर्ड होता है वहाँ वो छोटा होता है जिस वर्ड के साथ उस वर्ड से इसको हम जिससे हमने इंक्लूड करना है उसको अगला उसके बाद हमारे पास क्या है डोज उसका जो हमने फील का ब्लैंक है वो हमारे पास आंसर है उसका डोज
denial of server attack is a cyber attack to make a machine or network resource unavailable for a user. तो कभी मेरे साथ में यार टॉपिक में पढ़ा था कि DOS क्या होता है, denial of server attack होता है कि एक router multiple request भेजता है एक server के ऊपर और एक या एक network के ऊपर, तो क्या होता है कि उसके पिछले दिन क्या होता है कि उस जो नेटवर्क का लिंक डाउन हो जाता है वो यूजर को अनअवेलेबल हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं इस टाइप ऑफ सर्वर अटैक, इस टाइप को क्या कहते हैं DOS डिनायल ऑफ सर्वर अटैक। ठीक है, अगला हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमने पूछा था व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट हम जैसे पहले व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट होता है जिसको यूज करके हम डाटा को इनकोड करते हैं, या जो टेक्स्ट हमारे पास बचता होता है जो इनकोडिंग जो टेक्स्ट जिसको जिससे जिस टेक्स्ट को रिप्लेस किया होता है उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं साइफर टेक्स्ट, या वो टेक्स्ट जिसको यूज करके हम अपने डाटा को इनकोडिंग इनकोड करते हैं उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं साइफर टेक्स्ट। बगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि क्यों इंस्टॉलेशन की क्यों जरूरी है जबकि पासवर्ड हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पासवर्ड से होता है पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है, तो जो की होती है वो यूज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, जबकि हमारे पास जो पासवर्ड होता है वो किसी भी यूजर नेम या किसी भी हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ जो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ को यूज करते हैं वो पासवर्ड होता है। ठीक है, और जो की होती है वो जो अपनी पासवर्ड है वो अपने सॉफ्टवेयर को सेंड करती है सर्व करती है वो साथ उस यूजर को एक की देती है ताकि वो उसको यूज करके उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सके। ठीक है, इस वजह से ये चीज जरूरी होती है। अगर हमारे पास DOS है जो हमने पढ़ चुके हैं मैंने कहा डिनायल ऑफ सर्वर अटैक, वो क्या होता है सर्वर अटैक की फॉर्म होती है जिसमें एक वक्त में एक सर्वर एक कंप्यूटर से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज जाती है एक सर्वर के ऊपर एक नेटवर्क के ऊपर, तो वो क्या होता है कि इस तरह उस सर्वर का जो लिंक डाउन हो जाता है तो वो यूजर को अनअवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हमारे पास अगला है एडिंग कैप्चा, व्हाट व्हाई वी ऐड कैप्चा इन आवर वेबसाइट। ठीक है, इसका आंसर आपको पहले पेज नंबर 9 में मिलेगा। कैप्चा आप इसलिए ऐड करते हैं कभी कभी हम फॉर्म को फिल करने के लिए अपने उसमें वेबसाइट में फॉर्म को फिल करने के लिए वर्ड को ऐड कर देते हैं जो कि रोबोट्स को विजिबल नहीं होता, जो रोबोट्स इसको नहीं, जैसे आपने भी बहुत सी जगह देखा होगा कि फाइंड द सिग्नल इन दिस पिक्चर और रीराइट दिस टेक्स्ट को जब हम पासवर्ड को अपना चेंज करने के लिए करते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या करता है वो एक रैंडम नंबर पे कोई वर्ड कहीं कहीं कोई वर्ड कहीं इस रैंडमली वो वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है छोटा कोई बड़ा कोई नंबर को उतर उनकी जो ऑर्डर है उसको भी चेंज करता है वो पिक्चर के फॉर्म में आता है हमारे पास उसे कैप्चर करते हैं वो ये जो ये हमारे रोबोट्स को प्रिवेंट करता है सिर्फ ह्यूमन आई को विजिबल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या पैटर्न पैटर्न क्या होता है पैटर्न हमारे पास पैटर्न जिस डाउन होती है हम उसको यूज करते हैं अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो मिस यूज ना हो और जिस बंदे का वो आइडिया हो जिस बंदे की वो रिसर्च हो उस बंदे को उसका प्रॉपर बेनिफिट हो उस बंदे को उसका प्रॉपर फायदा हो ताकि वो उसकी रिसर्च का मिस यूज ना कर सके। तो जो हम टर्म को यूज करते हैं उसे कहते हैं पैटर्न, जिसकी मदद से हम उस आइडिया को या उस रिसर्च को सिक्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मेरा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।